हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आप अक्सर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उधर आप डिफरेंट पोस्ट्स देखते हैं, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिनमें उनका टेक्स्ट स्टाइल डिफरेंट होता है और उनके फ़ॉन्ट्स डिफरेंट होते हैं और उस बंदे का जो यूज़र नेम होता है उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स एड किए होते हैं जो आपको आपके फ़ोन के नॉर्मल कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप इन फ़ॉन्ट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को अपने पोस्ट या यूज़र नेम में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी होंगी गूगल प्ले स्टोर से। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पर जो ऐप है उस ऐप का नाम है कूल फॉन्ट्स फॉर इंस्टाग्राम। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मैं सारे ऐप्स का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर से डायरेक्टली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको दो ऑप्शन दिए गए होंगे, एक फैंसी फॉन्ट्स का और दूसरा डेकोरेटर का। इस ऐप के अंदर आपको 70 प्लस फॉन्ट स्टाइल्स मिलेंगे और उसके बाद 48 डेकोरेटिंग स्टाइल्स मिलेंगे जिनको आप अपने पोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक कॉपी करके दिखा देता हूँ अपने चैनल का नाम। डेकोरेटिंग स्टाइल आप अपने इंस्टा बायो या फिर फेसबुक के अबाउट सेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। और सेकंड जो ऐप है उस ऐप का नाम है कूल फॉन्ट्स फॉर इंस्टाग्राम टेक्स्ट फैंसी फॉन्ट। इसे ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे ओपन करने पर आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आएंगे, जहाँ पर एडिशनल आप कुछ फीचर्स भी मिलेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉन्ट्स का और नेक्स्ट जो है वो है इंस्टा बायो का। फॉन्ट्स में आपको वही जो दूसरे ऐप में मिल रहे थे वही फॉन्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन इंस्टा बायो आप जब इसे ओपन करेंगे यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम बायो के लिए कुछ टेम्पलेट्स भी दिए गए है और उसके साथ आप खुद अपना कोई बायो क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर से कॉपी कर सकते हैं। थर्ड जो ऐप है उस ऐप का नाम है फैंसी टेक्स्ट सिंबल्स। इसे ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर अंदर आपको 70 प्लस फॉन्ट्स मिलेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर एक फीचर मिलेगा जनरेटर। इसे यूज करके आप अपना कोई टेक्स्ट जनरेट करके सेव कर सकते हैं। और इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो है ASCII आर्ट। ये एक एडिशनल फीचर है जो आपको दूसरे ऐप्स में नहीं मिलेगा, लेकिन ASCII आर्ट को यूज करने के लिए आपको इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो खरीदना पड़ेगा। फोर्थ जो ऐप है उस ऐप का नाम है फैंसी टेक्स्ट कूल फॉन्ट्स निकनेम जनरेटर। इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी, ये ऑफलाइन आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको डिफरेंट फॉन्ट्स मिलेंगे और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनको आप अपने पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। इस ऐप में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे को यूज़ करते हो, कोई सा भी टेक्स्ट पेपर पर लिखा हो या फिर फोटो का टेक्स्ट आप स्कैन कर सकते हैं, और इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और आखिरी जो ऐप है उस ऐप का नाम है फॉन्ट्स फैंसी कूल फॉन्ट्स एंड इमोजी। इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। इस ऐप के अंदर आपको इंस्टा बायो का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर से आप कोई भी इंस्टाग्राम का बायो टेम्पलेट यूज कर सकते हैं और उसके बाद अपना कोई बायो भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेगा जिसका नाम है ग्लिच टेक्स्ट। इसे यूज करते हैं आप अपने टेक्स्ट में कोई सा भी ग्लिचिंग इफेक्ट दे सकते हैं। मैं ये यूज करके आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डेकोरेट। यहाँ पर आपको 29 डेकोरेट स्टाइल्स मिल जाएंगे जिनको आप अपने फेसबुक के अबाउट सेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक्स्ट्रा इमोजी ऑप्शंस भी दिए गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।